अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपका तारफ जान सकता हूँ? सर अली रज़ा नाम है और बाय प्रोफेशन मैं प्रिंसिपल हूँ टिप्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में और टीचिंग से वाबस्तगी है। माशाल्लाह सर, ये आज माशाल्लाह तर्जमा कुरान कोर्स का लेवल 7 कंप्लीट हुआ है, तो आपने ये कोर्स कब ज्वाइन किया था? अल्लाह के बड़े एहसान है, मैं फ्रॉम द डे 1 जो है मुफ्ती साहब की सोफर से जो है वो कह रहे हैं फैजियाब हो रहा हूँ, तो आई एम अ पायनियर मेंबर ऑफ दिस कोर्सेज। माशाल्लाह सर, इस कोर्स की वजह से आप कितने परसेंट यानी तर्जमा करना सीखे हैं, यानी कितना हद तक आप सीखे हैं तर्जमा करना? सर जी एटलीस्ट जो है ना, आप ये समझ लें कि कोई भी कुरान की आयत आप जब सामने आती है तो उसके लुबे लुबाव जो है वो समझ अब आ जाता है, वो पता चल जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें बात करने वाला कौन है, किसको मुखातिब किया जा रहा है, तो ब्रॉडर लेवल पे चीज़ें अंडरस्टैंड अब हो जाती हैं, अल्लाह का बड़े एहसान है। ठीक माशाल्लाह सर, इस जो कोर्स का आपके अमली ज़िंदगी पे क्या असर हुआ है? सर इस कोर्स में वाबस्तगी की मेन वजह ही ये है कि मैं मुफ्ती साहब के जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है ना, मैं बेसिकली उस चीज़ का मोतरफ हूँ कि वो जो है ना, जब भी आपकी किसी भी आयत को किसी भी चीज़ को जब वो तर्जमा और तफसीर में जा रहे होते हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक लाजमी करते हैं कि आपने उसका जो हमारे लिए उसमें मैसेज है उसको अंडरस्टैंड आपने कैसे करना, तो ज़िंदगी को बेहतर बनाने का और ख़ास तौर पे जो दीन का एक मिजाज है उस मिजाज को समझने में जो मदद मिल रही है ना, वो एक एक्सेप्शनल थिंग है जो मैं समझता हूँ जो इस अदारे से मुझे मुयसर आई है। माशाल्लाह सर, इस अदारे के लिए और अदारे के चेयरमैन साहब मेजर शाह नवाज साहब के लिए आप कोई अल्फाज यानी क्या कहना चाहते हैं, आपके तासुरात क्या हैं? सर जी उनके लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है और बहुत ज़्यादा दुआओं में वो याद भी रहते हैं। माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी काबिश है कि उन्होंने जो है यहाँ पे हमें कंफर्टेबल माहौल जो है वो दिया हुआ है और मुफ्ती साहब जैसे लोगों के साथ उन्होंने जो है एक बड़ा ही पक्का जो है वो कहते हैं कि इंटरेक्शन जो है वो अटैचमेंट उनकी बड़ी पक्की उन्होंने बनाई हुई है, वो इन्हें हिलने नहीं दे रहे, तो ये अदारा तो देखिए बहुत सारे बना लेंगे, चीज़ें भी मैनेज कर देंगे, लेकिन जिस तरह से वो अटैच करके पकड़ के बैठे हैं ना कि भाई जाने नहीं देना आपको कहीं, आपको पकड़ के रखना, ये बड़ी खुशाइन बात है, वही हमें लर्निंग का एक मौका जो है उसे बार बार मयसर आ रहा है। जी सर। माशाल्लाह सर, आप हमारे नातिन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरी तरफ से बड़ा सिंपल और सादा सा, भाई कुरान ही ज़िंदगी है, कुरान ही जो है हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी जो है वो सिखा सकता है। बीइंग अ टीचर मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैगाम देना चाहूँगा कि आप कोई भी आप सब्जेक्ट है, आप जिस भी तर्ज ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, सिंपल एक चीज़ करें, ख़ास तौर पर उस्तादा इकराम को मैं कहूँगा कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने लगें तो मेरी गुजारिश ये है कि आप जो है ना उन्हें मिसाल जो है वो कुरान से हदीस से दें बस। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी जी।